Hello everyone, welcome back to Neat Learning Channel, and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रही थी, जिसमें कि हमने प्रोटेस्टा किंगडम को फिनिश कर लिया था, कि उसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी हमने देख लिया था. ठीक है, ओके. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, किंगडम फंजाई, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ लेते हैं. स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज अ माइकोलॉजी. मतलब जब हम फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी. जैसे हम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उसको क्या बोल रहे थे, बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, ओके. बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं. इस तरीके से फंजाई के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे माइकोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी इज अ मिकेटी. ठीक है, तो इस जो आपके जो फादर हैं, जो माइकोलॉजी के फादर हैं बोले जाते हैं उन्हें, वो कौन है, मिकेटी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी इज डीबैरी. तो जो दोनों चीज़ों के फादर है, जैसे माइकोलॉजी हो गया मॉडर्न माइकोलॉजी, ठीक है, एंड प्लांट किंगडम के जो फादर बोले जाते हैं वो कौन है, डीबैरी. ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. तो इंडियन माइकोलॉजी के बारे में, जब पूरे वर्ल्ड के बारे में माइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे, डीबैरी. बट अगर इंडियन माइकोलॉजी के बारे में जब बोला जाएगा तो आप क्या बताएंगे, बटलर. ठीक है, इन्हें प्लांट पैथोलॉजी के भी फादर बोला जाता है. ठीक है, फिर देखिए, दे इंक्लूड यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर एंड डिकम्पोजर. तो इनमें कौन कौन से कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, पहली चीज कि वो यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है, ओके. फिर मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल से बने होते हैं, तो इसलिए मल्टी सेलुलर. एंड डिकम्पोजर, डिकम्पोजर का मतलब क्या है, जो डेड मटेरियल होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं. ठीक है, तो इसलिए इन्हें डिकम्पोजर भी बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये कि फंजाई में भी पैरासाइट एंड यूनिसेलुलर. फंजाई पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरी बॉडी पर रहते हैं. ठीक है, और उसके बाद यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे हमने बात की कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बट कई सारे फंजाई ऐसे भी होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं. ठीक है, तो कुछ हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि कौन, इनके फादर का नाम क्या होता है, एंड अगर फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, और उसके बाद उनके कैरेक्टर के बारे में भी हमने देख लिया. ठीक है, फिर देखते हैं अब इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं. तो जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम फंजाई, सेल वॉल प्रेजेंट विच कंटेन काइटिन. इनमें जो सेल वॉल होती है तो वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है. ठीक है, किससे बनी होती है, काइटिन से. लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो उनमें सेल वॉल किससे बनी थी, सेल्यूलोज से. ठीक है, तो इसमें सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सम फंजाई कंटेन सेल्यूलोज इन देयर सेल वॉल. तो इसमें भी बहुत ही जो सम फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से. ठीक है, मोस्टली क्या बात पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे कि वो काइटिन से बनी होती है उनकी सेल वॉल. बट अगर एक कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है. ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इज अ ग्लाइकोजन एंड ऑयल. तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन होता है एंड ऑयल होता है. ठीक है, ओके. फिर देखिए, ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम. तो इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो जब हाइफे का बहुत सारा ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम. ठीक है, क्योंकि जो फंजाई होता है उसके जब आप अंदर जाके इनसाइड बॉडी पे देखेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा, वो एक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड इज अ हाइफे. तो हाइफे के जब ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम, जिससे आपका पूरी बॉडी फंजाई की बनी होती है. ठीक है, अब हाइफे जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं, एसेप्टेट हाइफे और कोइनोसाइटिक हाइफे, एंड सेप्टेट हाइफे और नॉन कोइनोसाइट हाइफे. सर, एसेप्टेट की बात कर लेते हैं कि उसमें जो होती है बीच बीच में वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, वॉल में क्या होता है, अगर हाइफे में वॉल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफे. ठीक है, बट अगर विदाउट वॉल है दैट्स कॉल्ड इज अ एसेप्टेट हाइफे. ठीक है, तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. ठीक है, फिर देखिए, एसेप्टेट माइसीलियम इज अ विदाउट क्रॉस वॉल और सेप्टा. तो जो लाइन प्रेजेंट होती है, जो जिससे हम वॉल बोल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा बोलते हैं. तो सेप्टा अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफे. बट अगर सेप्टा एब्सेंट है या फिर विदाउट सेप्टा है, दैट्स कॉल्ड इज अ एसेप्टेट हाइफे. राइट, इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई. जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई फ्री प्रेजेंट होते हैं. ठीक है,
फिर देखिए सेप्टेड माइसीलियम इज कंटेन सेप्टा, जैसे कि मैंने बताया कि सेप्टेड हाइफे जो होता है उनमें क्या होता है सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है ओके। या फिर इन्हें नॉन क्वाइनोसाइट हाइफे भी बोलते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं काइटोसोम के बारे में। काइटोसोम आर राउंडेड बॉडीज प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ द फंगल हाइफे। जो आपका फंगल होता है, जो मतलब जिस जो हाइफे होता है, ठीक है, जिससे आपका फंजाई पूरा बनता है, तो वो फंजाई के जो जहां से फंजाई स्टार्ट हो रहा होता है उसके टिप पे क्या होता है राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम काइटोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? काइटोसोम बोलते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे। फंगल हाइफे इज शोज ऑलवेज टिप ग्रोथ। जो फंगल हाइफे होता है, मतलब जो आपके टिप पे प्रेजेंट होता है काइटोसोम, वो आपके ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके हाइफे जो है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड फंगल की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, और उसमें ग्रोथ होती जाएगी। सेक्सुअली सेक्सुअल वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होता है, ठीक है। फिर देखिए अब तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इट इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मेल एंड फीमेल। तो जैसे कि मैंने बात करी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली क्या होता है कि मेल एंड फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है, मेल एंड फीमेल बनते हैं, ठीक है। गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं फर्टिलाइज होते हैं, उसके बाद आपका न्यू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो जो फॉर्मेशन होता है, जिस स्पोर में फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से स्पोर है? ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बैसिडियोस्पोर, ठीक है ओके। ये सारे जो पार्ट होते हैं वो किसमें बनते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। फिर देखिए ओफर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे इंक्लूड जू स्पोर कोनिडिया। तो इसमें जब साइकिल होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें क्या होता है कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ओके। कोनिडिया की स्टेज कब होती है? जब वो ड्राई स्टेज होती है तब आपके कोनिडिया बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, मतलब कि उसकी जो मदर बॉडी होगी, ठीक है, पेरेंट बॉडी होगी, उससे आपका कुछ ना कुछ पार्ट ब्रेक हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन, राइट। फिर देखिए बडिंग, तो बडिंग में क्या होगा एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो बडिंग क्या होगा कि उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे आपका वो बड जब मेच्योर हो जाएगी देन पेरेंट बॉडी से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर फिजन के बारे में, तो फिजन भी कुछ ऐसा ही तरीके से होता है कि फिजन में भी क्या होता है जो बॉडी होती है उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ब्रेक हो जाता है, दैट्स कॉल्ड इज अ फिजन, राइट ओके। तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग चीजें बनती है एंड जो आपका वेजिटेटिव है वो अलग तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन बडिंग एंड फिजन जो है वो आपका किसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखते हैं अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो इसमें हम बात करेंगे फंजाई जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। फंजाई को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला क्या है फाइकोमाइसिटिस, दूसरा क्या है यूमाइसिटिस, ठीक है। जो फाइकोमाइसिटिस होता है उनमें क्या होता है कोइनोसाइटिक माइसीलियम या फिर एसेप्टेड माइसीलियम होता है, ठीक है। लेकिन अगर यू माइकोटा की बात करें तो उसमें सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइकोमाइसिटिस के बारे में देख लेते हैं, तो फाइकोमाइसिटिस के अंडर पे उसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है ऊमाइसिटिस और जाइगोमाइसिटिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेप्टेट या फिर यू माइकोटा के बारे में देख लेते हैं तो ये भी टू पार्ट में डिवाइड है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें होता है एस्कोमाइसिटिस एंड बैसिडियोमाइसिटिस जो होते हैं फंजाई उनमें क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में बात करें तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप फंजाई के बारे में, तो टाइप्स ऑफ फंजाई जो होते हैं वो आपके फोर पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज अ फाइकोमाइसिटिस, सेकेंड इज अ एस्कोमाइसिटिस एंड थर्ड इज अ बैसिडियोमाइसिटिस एंड फोर्थ इज अ ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इनके कैरेक्टर क्या क्या है और इनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं जो भी आपके मतलब जो सबसे पहली बात है कि एक्वाटिक प्लेस पे रहते हैं, ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा होता है एक्वाटिक होता है एंड डिकेइंग मैटर पे, ये तो मेन उनका पॉइंट है कि वो डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं फंजाई, ठीक है, चाहे वो कोई भी फंजाई हो,
डिकेइंग मैटर पे या फिर डिकेइंग वुड पे या फिर मॉइस कंडीशन पे, ठीक है। फिर देखिए माइसीलियम एसेप्टेट, तो इसमें जो माइसीलियम होता है वो किससे बना, मतलब एसेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होता है जिसको हम फाइकोमाइसिटिस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, या तो वो जू स्पोर होगा या तो वो कॉनिडिया के थ्रू होगा, ठीक है। तो इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपका किसके थ्रू होता है, जू स्पोर के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए इफ गैमीट आर सिमिलर इज आइसोगैमेट, अगर उसमें गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें जो गैमेट अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, आइसोगैमेट होगा, मतलब कि सेक्सुअल मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो होंगे वो सेम साइज के होंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर गैमेट, तो मतलब कि आइसोगैमेट, ठीक है। इफ गैमेट आर डिसिमिलर, अगर गैमेट जो होंगे डिसिमिलर प्रेजेंट होंगे, मतलब कि एक का साइज छोटा है और एक का साइज बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमेट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोड्स भी बोलते हैं, एंड म्यूकर एल्बियुगो एंड फाइटोफोरा जो है वो आपके किसके एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस के, ओके, किसके एग्जाम्पल है, फाइकोमाइसिटिस के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एस्कोमाइसिटिस के बारे में, इट इज ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई, जो एस्कोमाइसिटिस होता है इसका एक और नाम क्या होता है, सैक फंजाई, ठीक है। तो ये आपको नेमिंग भी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि सैक फंजाई किसको बोलते हैं, ठीक है, क्लब फंजाई किसको बोलते हैं, परफेक्टाई फंजाई किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ मे बी यूनिसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर होगा तो वो ईस्ट होगा, अगर मल्टीसेलुलर है तो वो पेनिसिलियम होगा, ठीक है। फिर देखिए काइटिन इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल, जैसे हमने बात करी थी सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था जब फंजाई पढ़ रहे थे कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, काइटिन से, ठीक है। फिर देखिए दे आर सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर ग्रो इन अ डंग, कैसे होते हैं ये फंजाई, सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक एंड डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब कि वो आपके डंग में ग्रो करते हैं, जो आपके रुमिनेंट्स एनिमल होते हैं तो उनके डंग में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेप्टेट माइसिलियम, तो इसमें कैसे माइसिलियम प्रेजेंट होता है, सेप्टेट मतलब कि इसमें वॉल प्रेजेंट होगी, राइट, या फिर सेप्टा प्रेजेंट होगा। फिर देखिए अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कौन सा होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें बडिंग होता है और फिजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो गैमेटेंजिया के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एस्पर्जिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा मोरेल्स एंड ट्रफलर्स, जो मोरेल्स एंड ट्रफलर्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, ठीक होते हैं, मतलब आप उन्हें इजली खा पाएंगे, ठीक है, खा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैसिडियोमाइसिटिस की, ठीक है, जर्नी नोन एज अ क्लब फंजाई, तो इनको क्या बोलते हैं, इनका दूसरा नाम क्या होता है, क्लब फंजाई। नेक्स्ट देखिए काइटिन प्रेजेंट है ना सेल वॉल, तो इनका सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से, राइट, ये क्या है, एक मेन पॉइंट है कि सेल वॉल इनकी काइटिन से बनी होती है, ठीक है। सेप्टेट और ब्रांकियल माइसीलियम प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होता है, मतलब कि आपका सेप्टेट माइसीलियम एस्कोमाइसिटिस में भी था और बैसिडियोमाइसिटिस में भी है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन बट इट इज नॉट फाउंड, तो इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर जब कभी हो गया तो वो किसके थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, बट अगर मतलब इसमें क्या होता है, मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर होता है तो उसमें कौन कौन सा होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, देन मियोसिस डिवीजन। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है, प्लाज्मा का डिवीजन होगा। फिर कैरियोगैमी मतलब कि न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, देन मियोसिस डिवीजन, ठीक है। मियोसिस डिवीजन क्या होता है कि वन सेल जो होते हैं वो आपके फोर पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ओके, फोर डॉटर न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अगैरिकस अस्टिलैगो पक्सिनिया, ठीक है, अगैरिकस अस्टिलैगो एंड पक्सिनिया जो है वो किसके एग्जाम्पल है, बैसिडियोमाइसिटिस के। नेक्स्ट लास्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में, जनरली नोन एज इम्परफेक्टाई फंजाई, इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्टाई फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए ड्यू टू ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अकर्स, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पॉसिबल है। फिर देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफेक्ट स्टेज नॉट नो,
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें नहीं होता, ठीक है, किसमें, ड्यूटेरोमाइसिस में। फिर देखिए, देयरफॉर फंजाई काइटिन सेल वॉल इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, सेप्टेट एंड कोनिडिया आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो इसमें सेप्टेट होता है, सेप्टेट माइसिलियम प्रेजेंट होता है और कोनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है एंड मल्टीसेलुलर भी होती है, ठीक है। फिर देखिए, मेम्ब्रेन सैप्रोफाइट पैरासाइट। तो इसमें जो मतलब जो आपका पार्ट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, न्यूट्रिशन किसका होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मतलब कि वो दूसरी बॉडी पे डिपेंड होते हैं, दैट मीन्स पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकस एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकस एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ड्यूटेरोमाइसिस के। तो जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सारे आपको लर्न होने चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किसके लिए है, ठीक है, कौन से फंजाई के लिए है वो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंजाई जो है वो फिनिश हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर फंजाई जो है वो फिनिश हो जाता है। तो हमने बैक्टीरिया को फिनिश कर लिया, दैट मीन्स मोनेरा फंजाई को फिनिश कर लिया, प्रोटिस्टा किंगडम को क्लियर कर लिया, मोनेरा किंगडम को क्लियर कर लिया, प्रोटिस्टा किंगडम को क्लियर कर लिया एंड फंजाई किंगडम को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वायरस के बारे में। वायरस आर ऑब्लिगेट ऑलवेज इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। तो ये जो होते हैं वायरस कैसे होते हैं, इंट्रा सेलुलर होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाकर एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में, वायरस में क्या होता है कि नॉन लिविंग कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है। फिर देखिए, रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में नहीं होता है। कैन नॉट कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडियम, तो इनमें क्या होता है, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जा सकता है। फिर एंजाइम सिस्टम, तो एंजाइम सिस्टम भी नहीं प्रेजेंट होता है। एंजाइम फॉर्मिंग एंड एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है इसमें। डज नॉट शो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होता है वो भी इसमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग कैरेक्टर, तो मतलब कि नॉन लिविंग कैरेक्टर जो है वो सारे इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉन लिविंग के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, लिविंग कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लिविंग कैरेक्टर के भी प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं वो भी देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, म्यूटेशन वो भी पॉसिबल है, एंड कॉजेज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन भी होता है। देखिए, जैसे कि हमने लिविंग कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, लिविंग क्या होता है कि जो आपका वर्क ना करे, राइट, ओके, या मतलब वो क्या है, मतलब जो भी लिविंग में होना चाहिए वो सारा क्या है, नहीं होता है, तो वो आपका क्या बोलते हैं, उसको नॉन लिविंग बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करता है वो क्या, इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि लिविंग के कैरेक्टर शो होने लगते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वायरस वर फर्स्ट डिस्कवर बाय डीजे इवानोवस्की। जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया था वो कौन थे, डीजे इवानोवस्की थे, ठीक है। टर्म वायरस वॉज गिवन बाय पाश्चर, जो वायरस का टर्म था वो पाश्चर ने दिया था। टीएमवी वॉज डिस्क्राइब बाय मेयर, जो टोबैको मोजैक वायरस है वो किसने दिया था, उसके बारे में डिस्क्राइब किसने किया था, मेयर ने, ठीक है। न्यूक्लियर प्रोटीन नेचर वॉज गिवन बाय बाउडेन एंड पायरी, इनमें इन्होंने मतलब जिन साइंटिस्ट ने न्यूज में बताया था कि न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, तो ये किसने बताया था, आपके बाउडेन एंड पायरी साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीजरनिक, एक और साइंटिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग बताया गया कुछ, अकॉर्डिंग टू बीजरनिक, वायरस इज अ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। मतलब इन्होंने बताया था कि जो वायरस होता है वो कैसा होता है, फ्लूड के जैसा होता है, ठीक है, एज अ लिक्विड के फॉर्म में, तो वो जो उनका फ्लूड होता है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, इसलिए उनको एक इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, जो कि इन्फेक्शन करने वाला फ्लूड है, ठीक है। किन में इन्फेक्शन करता है, लिविंग में, ठीक है। तो ये किसने बताया था, बीजरनिक ने। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैनले के बारे में। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ लार्जली ऑफ प्रोटीन। स्टैनले जो साइंटिस्ट थे, स्टैनले मिलर, इन्होंने बताया था कि जो आपका वायरस होता है वो आपका क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे आपने शुगर देखी होगी, ठीक है,
शुगर क्या है उसमें क्रिस्टल क्रिस्टलाइज होता है, ठीक है। तो उसी क्रिस्टल के तरीके आपको वायरस भी होता है जो कि आपके बॉटल में स्टोर करके हम इसे रख सकते हैं, ठीक है, ओके। इनमें क्या होता है, लार्जली अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में देख लेते हैं। इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स विच मीन्स वायरस कंटेन्स पोलियो प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड पार्ट। तो जो प्रोटीन जो वायरस का स्ट्रक्चर जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि दो पार्ट से मिलकर बना होता है। जो आउटसाइड आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन कोट की होती है। बट अगर मतलब इनसाइड पे देखेंगे तो वो आपका आरएनए प्रेजेंट होता है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। सम वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि डीएनए भी प्रेजेंट होता है, बट अगर मोस्टली की बात करें तो मोस्टली वायरस किसमें कैसे होते हैं कि उनमें आरएनए ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है कि एक साइड न्यूक्लियस होगा, दूसरी साइड क्या होगा, प्रोटीन, दोनों का मिक्सचर होगा तभी आपका वायरस बनता है, ठीक है। तो वायरस में मेन जो कैरेक्टर होता है वो आपके किसके होते हैं, मतलब वायरस जो होता है उसमें मेन क्या चीज होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और आरएनए या फिर मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा, क्लियर हो गया। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होता है आपको बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। तो क्या इसके साइड में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। और उसके बाद जो सिंगल यूनिट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिंगल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। और उसके बाद जब उसका ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड, ठीक है। तो इसी का जो बहुत सारी लेयर हो जाती है, तो उसके बीच में क्या होता है, आपका आरएनए होता है। तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कई सारे कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। और कैप्सोमियर जो होता है मतलब कैप्सिड, प्रोटीन की कैप्सिड लेयर प्रेजेंट होती है। और उसके बाद सिंगल सेंटर पर देखेंगे तो वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, दैट मीन्स आरएनए या फिर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका इनवेलप और नॉन इनवेलप के बारे में है, मतलब कि किसी में इनवेलप प्रेजेंट होगा, किसी में इनवेलप नहीं प्रेजेंट होगा। तो जिनमें इनवेलप प्रेजेंट होता है उसको इनवेलप्ड वायरस बोलते हैं, और जिनमें इनवेलप नहीं प्रेजेंट होता उनको नॉन इनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। और इनको डिटेल में डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम उसे सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आप कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नॉन इनवेलप्ड वायरस और इनवेलप्ड वायरस, उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।